नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ रोचक तथ्य। तो कौन है आज के मेहमान? आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की, स्वदेश, जिसकी रग रग में भरा पड़ा था, जो बात कहता था तो पूरे तथ्यों के साथ, जो एक रहस्यमयी मौत मरा। नाम था भाई राजीव दीक्षित। एक, यदि आज राजीव दीक्षित जिंदा होते तो अब तक शायद भारत में स्वदेश और आयुर्वेद का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका होता, रामदेव के पतंजलि से भी बड़ा। दो, राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 यूपी के अलीगढ़ में राधेश्याम और मिथिलेश कुमारी के घर हुआ। राजीव दीक्षित IIT से M.Tech पास थे। बताते हैं कि उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया। तीन, राजीव दीक्षित अंगूठे पर मेथी का दाना बांध कर जुकाम ठीक कर लेते थे। कहता था कि वह पिछले 20 सालों में कभी बीमार नहीं पड़ा। चार, राजीव दीक्षित बचपन में हर महीने 800 रुपए सिर्फ मैगजीन और अखबार पढ़ने में खर्च करते थे। इस शख्स की रुचि बालकपन से ही देश की समस्याओं को जानने में थी। पांच, भाई राजीव दीक्षित जी स्वदेशी के प्रखर प्रवक्ता थे। उनके मन में बस एक बात बैठी हुई थी, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। वो देश से वैश्वीकरण और उदारीकरण को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। छह, राजीव दीक्षित विदेशी कंपनियों को देश से भगाना चाहते थे। वो भारत के मेडिकल सिस्टम को आयुर्वेद पर आधारित करना चाहते थे। सात, राजीव दीक्षित भारत के पूरे सिस्टम को बदलना चाहते थे। वो भारत के एजुकेशन सिस्टम को मैकॉले की देन बताते थे। उनके अनुसार शिक्षा के लिए गुरुकुल सिस्टम बेस्ट है। आठ, राजीव दीक्षित ने पूरे देश में घूम घूम कर स्वदेशी का प्रचार किया और अपने जीवन में 13,000 से ज्यादा व्याख्यान दिए। इनके व्याख्यान आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। आप YouTube पर वीडियो देख सकते हैं या फिर Google पर सर्च कर सकते हैं। 9. राजीव दीक्षित के गुरु थे इतिहासकार और प्रोफेसर धर्मपाल। धर्मपाल ने ही राजीव को इंग्लैंड के पुस्तकालय से बड़ी मुश्किल से इकट्ठे करके भारत की आजादी के दस्तावेज दिए थे। 10. राजीव दीक्षित जवाहरलाल नेहरू को देश के सबसे बड़े दुश्मन की तरह देखते थे। ये शख्स अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अटल बिहारी वाजपेयी और ममता बनर्जी जैसी हस्तियों से लगातार बातचीत का दावा करता था। 11. शादी न करने वाले राजीव अपनी बात मनवाने के लिए भावना प्रधान दावे पेश करते थे। वो कहते थे कि 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी कोई हादसा नहीं बल्कि भारतीय गरीबों पर कराया गया अमेरिका का एक परीक्षण था। वो कहते थे कि 9/11 यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर खुद अमेरिका ने करवाया था। वो कहते थे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गाय का मांस खाते थे। ऐसे ही राजीव ने कई विवादास्पद दावे किए। आप YouTube पर वीडियो देख सकते हैं। 12. इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को देखा जाए तो राजीव भाई 1999 में बाबा रामदेव के संपर्क में आए। उन्होंने ही रामदेव को काले धन विग्रह के बारे में बताया। इससे रामदेव प्रभावित हो गए और विचार मिलने के बाद दोनों एक साथ काम करने को सहमत हो गए। 13. 2009 में राजीव और रामदेव ने एक आंदोलन शुरू किया था, भारत स्वाभिमान आंदोलन। इस आंदोलन का मकसद था भारत को पूरी तरह स्वदेशी बनाना, बुद्धिमान और ईमानदार लोगों को एकजुट करना, भारत को विश्व शक्ति बनाना। ये चाहते थे कि लोगों को जोड़ने के बाद 2014 में एक नई पार्टी का विकल्प रखेंगे और लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे। 14. राजीव दीक्षित जी की मौत उसी दिन हुई जिस दिन जन्म हुआ था, 30 नवंबर, मतलब उनकी जयंती और पुण्यतिथि एक ही दिन है। 15. राजीव दीक्षित मृत्यु 30 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के भिलाई में हुआ। राजीव दीक्षित का निधन एक खबर भी न बन सका। इनकी मौत पर मीडिया पूरी तरह से साइलेंट रही। राजीव दीक्षित की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इसका असली कारण है पोस्टमार्टम न करना, लेकिन क्यों? एक सवाल ये भी कि राजीव का मृत शरीर हरिद्वार में रामदेव के पतंजलि में क्यों ले जाया गया, सेवाग्राम राजीव दीक्षित का घर में क्यों नहीं? एक सवाल ये भी कि मरने के बाद राजीव की बॉडी नीली क्यों पड़ गई थी? ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जहर दे दिया हो, कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं था। राजीव के समर्थक तो यही मानते हैं कि ये सब रामदेव का किया कराया था, क्योंकि रामदेव राजीव को अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते थे। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।